नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हाइपरहाइड्रोसिस के विषय में। हाइपरहाइड्रोसिस वो समस्या है जिसमें आपके बॉडी में कहीं से भी स्वेटिंग होने लगती है, एक्सरसाइज या हीट ना होने और एक्सरसाइज ना करने के बावजूद। तो यह जो एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रक्रिया है, इसको हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस का मेडिकल टर्म है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। आज हम बताएंगे आपको साथियों हाइपरहाइड्रोसिस को रोकने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, क्योंकि यह जो समस्या है वो इतना पसीना ला देती है कि बहुत बच्चे लिख नहीं पाते हैं, जिनकी हथेली से पसीना आता है, पेपर में उनका टेस्ट पेपर गीला हो जाता है, पूरा वेट हो जाता है स्वेट से, या फिर उनके पैर के तलवे में इतनी स्वेटिंग आती है कि पूरा सॉक्स गीला हो जाता है। तो यह जो फिनोमेना है, इसको रोकना आवश्यक होता है। आज हम उसी के विषय में आपको ठीक करने के लिए आपका दिशा देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं हाइपरहाइड्रोसिस होती क्या है। हाइपरहाइड्रोसिस साथियों एक्सेसिव स्वेटिंग को कहते हैं, उस तरह की कि जब आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और आप ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं और ना ही गर्मी बहुत है। तो यह जो एक अनयूजुअल स्वेटिंग होती है, अनयूजुअल पसीना बहता है बगैर गर्मी होने के या बगैर किसी एक्सरसाइज या वर्जिश करने के, उस फिनोमेना को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, या बॉडी के किसी भी पार्ट से स्वेट हो सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स साथियों, बॉडी के किसी भी पार्ट से जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है वही इसका सिम्टम होता है, और यह स्वेटिंग बिना किसी एक्सरसाइज या हीट के वेदर के होती है। यानी कूल वेदर में भी आपके हर मौसम में पसीना आ रहा है, आपकी हथेली तलवे या बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो यह सिम्टम है हाइपरहाइड्रोसिस का, एक्सेसिव स्वेटिंग का। कॉज की बात कर लेते हैं। कॉज आते हो हाइपरहाइड्रोसिस का, आपकी जो नर्व्स होती हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। इसको प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, सबसे कॉमन फॉर्म होता है हाइपरहाइड्रोसिस का। जब आपकी नर्व्स ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं तो यह आपको स्वेट ग्लैंड्स को ट्रिगर कर देती हैं, और स्वेट ग्लैंड से पसीना या वाटर सिक्रीट होने लगता है। इसका आज तक कॉज अननोन है, लेकिन देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में, हाइपोथायराइड के पेशेंट में, वीकनेस के पेशेंट में, इस तरह के पेशेंट में हाइपरहाइड्रोसिस ज़्यादा होती है। आपकी जो नर्व्स होती हैं वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हैं। अब साथियों, आपको हम बताएंगे आपको समस्या को ठीक करने के विषय में 10 होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों आपको बता दें कि ये दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे ना लीजिएगा, क्योंकि जो दवा आपको फ़ायदा कर सकती है वो दवा आपको नुकसान भी कर सकती है। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग आपके 5 फुट या कहीं पर भी एक्सेसिव स्वेटिंग को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों जो बहुत कॉमन है हाइपरहाइड्रोसिस में, एक्सेसिव स्वेटिंग में, कि आपकी हथेली, आपके पैर के तलवे या आपके बगल से, आर्मपिट से बहुत पसीना आ रहा है। तो अगर यह स्थिति आप में है कि आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग जो है आपकी हथेली, फुट के सोल या फिर आपके आर्मपिट से हो रही है, तो इसको होम्योपैथी में, इस बीमारी को, इस सिम्टम को ठीक करने की बहुत कारगर दवा सेलिसिया है। आप सेलिसिया 1 mg की 3 खुराक वीकली ले लें, 5-5 मिनट के फासले पर हर हफ्ते। आप देखेंगे कि आपका जो हथेली से पसीना आ रहा है, तलवे से पसीना आ रहा है और आर्मपिट से पसीना, बगल से पसीना आ रहा है, वह ख़त्म हो गया। सेलिसिया के मरीज को नॉर्मली सर्दी ज़्यादा लगती है, वो चिली होता है। तो आपके हथेली का पसीना, जो आपका बच्चा लिख नहीं पाता है या पैर के तलवे में इतना पसीना आता है कि सॉक्स गीले हो जाते हैं, उस समस्या को ठीक करने की दवा सेलिसिया है। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि आपके पसीना जो आ रहा है वो उसमें मीठापन है, स्वीट है वह पसीना। अगर यह स्थिति आप में है कि पसीना आपका स्वीट है, वो मक्खियाँ आ रही हैं, वो पसीना आ रहा है उसमें मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, उस स्थिति को भी होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है, और दवा का नाम है कैलेडियम। आप कैलेडियम 32 बूंद दिन में 3 बार हाइपरहाइड्रोसिस की उस स्थिति में ले सकते हैं, जब आपके एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है खाना खाते वक्त विशेष तौर पर, या ऐसे भी जिस पे कि मक्खियाँ अट्रैक्ट हो रही हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, मक्खियाँ आपके चिपक रही हैं। तो ऐसे, इस तरह के पसीने को ख़त्म करने की होम्योपैथी में दवा कैलेडियम है। आप कैलेडियम लेके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक कंडीशन साथियों आती है हाइपरहाइड्रोसिस में
कि आपके स्कैल्प से बहुत पसीना आ रहा है, आपके सर से बहुत पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है कि बच्चा रात में लेटा तो पूरा तकिया का हिस्सा गीला हो गया। अगर आपके स्कैल्प से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो उसके होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैल्केरिया कार्प। आप कैल्केरिया कार्प 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं जब आपके स्कैल्प से यानी हेड से बहुत पसीना आ रहा है। कैल्केरिया कार्प का पेशेंट नॉर्मली फेयर फैट एंड फ्लैबी होता है, यानी उसका रंग गोरा होता है, वो मोटा होता है, थोड़ा सा थुल थुल होता है और उसको ठंडक बहुत लगती है। तो अगर यह सिम्टम आप अपने में पा रहे हैं और आपके स्कैल्प से बहुत पसीना आ रहा है तो उसको ठीक करने की सबसे कारगर दवा कैल्केरिया कार्प है। इसको आप 30 पावर में डेली 3 बार लेके अपनी समस्या को खत्म कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों हाइपरहाइड्रोसिस में कि आपके जो कवर्ड पार्ट्स हैं, जितना आप ढके हैं, जितने में आप पहने हैं कपड़े, उसमें पसीना बहुत आ रहा है। तो अगर यह स्थिति आपके हो एक्सेसिव स्वेटिंग की कि आपके कवर्ड पार्ट्स में पसीना बहुत आ रहा हो तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा बेलेडोना है। आप बेलेडोना 200 दो बूंद दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे कि पसीना भी रुक गया और आप हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग की दिक्कत से छुटकारा पा गए। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके पूरे शरीर से पसीना आ रहा है। अगर आप यह स्थिति है कि बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही पूरे शरीर से तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है सुराइनम और दूसरी दवा है सल्फर। सुराइनम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको ठंडक बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त हो रही है, मतलब आप बहुत गर्म में बैठे हैं तब भी आप ठंडी हवा आपको बुरी लग रही है। अगर यह स्थिति आपके हो और आपके स्वेटिंग हो रही हो तो समस्या को ठीक करने की निश्चित रूप से दवा सुराइनम है। और इसकी दूसरी दवा होम्योपैथी में बहुत कारगर है हाइड्रोसिस की, वह है सल्फर। सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उसी स्थिति में ले सकते हैं। जब आपको खाने में मीठा बहुत पसंद हो, आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो, आपको नहाना ना पसंद हो तो सल्फर आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसकी आप 3 खुराक वीकली लेकर यह जो एक्सेसिव स्वेटिंग का सिनेरियो है इसको ख़त्म करके अपने को लाभ दे सकते हैं और कंफर्टेबल हो सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको स्वेटिंग हो रही है और वह स्वेटिंग बॉडी के किसी एक टिप बराबर पॉइंट पर हो रहा है, जैसे कि जब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त स्वेटिंग हो रही है। तो अगर आपको खाना खाते वक्त स्वेटिंग हो रही है तो उस स्थिति से निपटने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है इग्निशिया अमारा। आप इग्निशिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपके खाना खाते वक्त नोज के ऊपर पसीना आ रहा हो, तो आपकी दवा इग्निशिया है। होम्योपैथी में इतनी कारगर दवाएँ हैं साथियों, देखिए एक एक सिम्टम की दवा होम्योपैथी में है, यही इसका खासियत है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और वो बहुत ऑफेंसिव, बहुत बदबूदार है, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बहुत पसीना आ रहा है और उसमें बहुत बदबू आ रही है। अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 4 बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है सलीसिया, दूसरी दवा है सल्फर, तीसरी दवा है बोविस्टा और चौथी दवा हिपरसल्फ। यह 4 दवाएं आपके जो ऑफेंसिव डिसऑर्डर है, ऑफेंसिव ऑर्डर है, आप उसको ख़त्म कर देंगे। सैलिसिया उस स्थिति में आपके बहुत कारगर दवा है जब आपका जो स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, वो बड़ा बदबूदार है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और वह बहुत बदबूदार है, बहुत ऑफेंसिव ऑर्डर की है, उस स्थिति की दवा सैलिसिया है। फिर दूसरी दवा आती है सल्फर। सल्फर उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है कि जब आपके बहुत बदबूदार ऑफेंसिव पसीना आ रहा है और आपके हथेली और तलवों में जलन हो रही है, अगर यह स्थिति आप अपने में पाते हैं तो आपकी सल्फर ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसकी 1 mg की 3 खुराक वीकली ले लें, आपकी हथेली और तलवों की जो जलन होती है वह भी ख़त्म हो जाएगी और आपका हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरी दवा साथियों इसी श्रृंखला की है बोविस्टा। बोविस्टा उस स्थिति की बहुत कारगर दवा है जब आपके बदबूदार पसीना आ रहा हो, उसकी महक प्याज जैसी हो, अनियन जैसी हो। तो अगर आपको ऑफेंसिव स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और आपका
जो उसकी ओडर है वो अनियन लाइक है, तो उसकी दवा बोविस्टा है। बोविस्टा 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका एक्सेसिव ऑफेंसिव स्वेट चला जाएगा और आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। चौथी दवा साथियों इसी श्रृंखला की है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपके पसीना आता है, मान लीजिए आर्मपिट से पसीना आया, बगल से पसीना आया और वो कपड़ों को पीला कर गया, पीला स्ट्रेन छोड़ गया, पीले निशान छोड़ गया, पीले दाग छोड़ गया, तो अगर वह स्थिति आपके हो साथियों तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा हिपरसल्फ है। आप हिपरसल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार लेके यह जो येलो स्ट्रेन करा हुआ स्वेट है, पसीना है, इसको ख़त्म कर सकते हैं और कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है एक्सेसिव स्वेटिंग में कि आपके पूरे फुट से बहुत स्वेटिंग हो रही है। अभी हम लोगों ने पाम्स की बात करी, फुट से स्वेटिंग हो रही है। अगर आपके फुट से एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 3 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है साइलिसिया, दूसरी दवा है सल्फर और तीसरी दवा है हिपरसल्फ। साइलिसिया उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है साथियों जब आपका पसीना जो फुट से आ रहा है, पैरों से आ रहा है, वह बहुत बदबूदार हो, तो आपकी दवा साइलिसिया है। सल्फर उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है जब आपका जो पसीना आ रहा हो वो बदबूदार हो और साथ में आपके पैर और पैरों में जलन महसूस हो रही हो, पूरे पैरों में जलन और लालिमा आ गई हो, तो अगर जलन महसूस हो रही हो तो उसका दवा सल्फर है। और हिपरसल्फ 30 उस स्थिति की साथियों अच्छी दवा है जब आपके पैरों से स्वेटिंग हो रही हो और वह पूरा आपका येलोइश कलर फेंक रहा हो, येलो कलर का आपका जो वाइट सॉक्स पहने तो उसमें येलो स्ट्रेन आ जाए, अगर वह स्थिति हो तो उस स्थिति में फुट की स्वेटिंग को दूर करने की यह 3 दवाएं हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपके एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो और वह आपके पैर और आर्मपिट्स दोनों जगह से हो रही हो और आपको गैस की बहुत प्रॉब्लम, अगर आपको गैस की बहुत प्रॉब्लम है, आपका स्टमक ब्लोटेड रहता है और आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उस स्थिति में इस एक्सेसिव स्वेटिंग को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेविटम। लाइकोपोडियम क्लेविटम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके स्वेट एक्सेसिव आ रहा हो, आपकी तकलीफ शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बढ़ रही हो और आपका स्टमक एब्डोमेन हमेशा ब्लोटेड रहता हो, उसमें गैस भरी रहती हो, गुड़गुड़ाहट होती हो, भारीपन रहता हो और डाइजेशन के डिरेंजमेंट हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की सबसे बढ़िया दवा लाइकोपोडियम है। फिर साथियों एक अजीबोगरीब स्थिति आती है इसकी स्वेटिंग का, कुछ मरीज आते हैं, सिम्टम आता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्री, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी स्वेटिंग कम हो रही है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है और मरीज बहुत दुखी है, तो ये जो दुखी मरीज है जिनको ग्रीफ रहता है और उनके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा इग्निशिया अमारा है। आप इग्निशिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका स्वेटिंग भी ख़त्म हो गई, आपका ग्रीफ की जो कंडीशन है, दुख की कंडीशन है, गम की कंडीशन है, वह भी ख़त्म हो गई और आपका जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पसीना कम हो गया, एक्सरसाइज छोड़ी तो पसीना बढ़ गया, उन स्थितियों से आपको इग्निशिया अमारा निकाल के आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि बहुत ठंडा पसीना आ रहा है, आपके कोल्ड स्वेट आ रहा है, आपको कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, जो पसीना है चेहरे पर आ रहा है बहुत ठंडा सा लग रहा है आपको उससे, अगर वह स्थिति साथियों हो तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है विरेट्रम एल्बम। आप विरेट्रम एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके कोल्ड स्वेट हो, ठंडा पसीना हो और आपके चेहरे पे वह ज़्यादा आ रहा हो, तो विरेट्रम एल्बम इज़ अ ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर यू। फिर एक बड़ी अच्छी स्थिति आती है साथियों कि शरीर के किसी एक पार्ट में स्वेट हो रहा है, आधे पार्ट में स्वेट हो रहा है, आधे पार्ट ठंडा पड़ा है, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके शरीर के एक पार्ट में स्वेटिंग हो रही हो और उसके सिमिट्रिकल दूसरे पार्ट में स्वेटिंग ना हो रही हो, तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला नाइग्रेंस। पल्सेटिला 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में आप ले सकते हैं जब आपको शरीर के एक पार्ट में पसीना हो और उसके अपोजिट दूसरे पार्ट में, सिमिट्रिकल पार्ट में पसीना ना हो, आपको प्यास कम लगती हो, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस पल्सेटिला है। फिर एक बहुत
अच्छी कंडीशन आती है जी, वो गरीब कंडीशन आती है जो आप में से किसी के साथ हो सकती है, इसलिए उसको मेंशन करना चाहते हैं। वह ये है कि जब दिन भर तो पसीना बहुत आया, रात में सो गए तो पसीना बंद हो गया। अगर यह स्थिति आप अपने में देखते हैं तो इस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सेम्ब्यूकस। आप सेम्ब्यूकस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जागने पे तो जब आपके पसीना ज़्यादा आता है और आप सो जाते हैं तो पसीना खत्म हो जाता है, तो उस स्थिति की ड्रग ऑफ द चॉइस सेम्ब्यूकस है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब दिल की धड़कन बढ़ती है और पसीना आने लगता है, कभी कभी आपको नर्वसनेस होती है, आपके पैल्पिटेशन शुरू होता है, पैल्पिटेशन शुरू होने के बाद आपकी धड़कन जो बढ़ती है उसके कारण आपको बहुत पसीना आने लगता है। अगर ऐसी स्थिति आप अपने में कभी देखते हैं, ये सिम्टम देखते हैं, तो आपका हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है लेकेसिस। आप लेकेसिस 1 mg की 3 खुराक वीकली ले सकते हैं। आपका स्वेटिंग बंद हो जाएगा उस स्थिति में कि जब आपको पसीना पैल्पिटेशन के बाद यानी दिल की धड़कन बढ़ने के बाद ज़्यादा आता है। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि जब आप सोए तो आपके पसीना ज़्यादा आ गया, जब जागे तो पसीना नहीं आ रहा है, सेम्ब्यूकस में था, जब आप जागते हैं तो पसीना ज़्यादा आता है। एक स्थिति होती है कि जब आप सोए तो पसीना ज़्यादा आ गया, तो अगर ऐसी स्थिति है साथियों कि आफ्टर फॉलिंग अस्लीप आपके पसीना ज़्यादा आ रहा है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, हाइपरहाइड्रोसिस हो रही है, तो उस कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैक्यूलेटम। आपको कोनियम मैक्यूलेटम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली लेते रहें। आप देखेंगे कि ये जो सोने के बाद आपके पसीना बहुत आ जाता है, चादर गीला हो जाता है, बिस्तर में पसीना आ जाता है, वह स्थिति ठीक हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि चलने पर पसीना बहुत आता है, जब आप वॉक करते हैं तो पसीना बहुत आता है। अगर यह स्थिति आप में है कि चलने पर पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मर्क्यूरस सॉल्युबिलिस। आप मर्कसॉल 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको चलने से पसीना बढ़ता है, आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस मर्कसॉल है। इसको लेके आप इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। ये साथियों कुछ दवाएँ थी होम्योपैथी में आपको हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग की समस्या को दूर करने के लिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो यह वीडियो देखकर, तो आप यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर हमें 9415786380 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको संतोषजनक प्रयास किया जाएगा सही उत्तर देने का। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, आप दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारा सबसे नया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, साथ वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।